उपस्थित धर्म स्नेही बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आपके हृदय में विराजित उस आत्मरूपी परमात्मा को भी मेरा नमस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप परमात्मा की वाणी 8-9 दिन शायद आज हो गए हैं, महावीर की वाणी आपके सामने बरस रही है। इतना सुंदर अमृत पान बरस रहा है कि जो व्यक्ति पी लेता है उसके जन्म जन्म के पाप ताप और संताप खत्म हो जाते हैं। अभी अभी आप सुन रहे थे सुख विपाक सूत्र के माध्यम से। बड़े सुंदर शब्दों में महासती जी ने अपने विचार आपके सामने रखे। उन्होंने क्या कहा कि सुबाहु कुमार भी आपकी तरह धर्म स्थानक में पहुंचा है और परमात्मा की वाणी को सुना और सुनकर के क्या किया, जीवन में अंगीकार किया, जीवन में आत्मसात किया। और जब तक इस वाणी को आत्मसात नहीं करते हैं तब तक जीवन का कायाकल्प नहीं होता है, जीवन में संबोधि प्राप्त नहीं होती है, जीवन की मूर्छा खत्म नहीं होती है, जीवन में आनंद प्राप्त नहीं हो सकता है। इसीलिए उसे सुनकर के जीवन में उतारना बहुत जरूरी है। आज संसार के अंदर लाखों लोग सुनाने वाले हैं और लाखों ही सुनने वाले हैं, लेकिन आचरण करने वाले चंद लोग नजर आते हैं। तो मैं भी आपसे यही कहूँगी कि कितनी बार सुन चुके हो, कितनी बार सुन चुके हो, लेकिन ये जिनवाणी की चोट क्या नहीं लगी आपको? नहीं लगी ना अभी तक? ये जिनवाणी की चोट जिस दिन आपको लग जाएगी उस दिन आपकी आत्मा क्या हो जाएगी, परमात्मा बन जाएगी। इसीलिए कवि कहता है कि या जिनवाणी री चोट थारे लागी कोनी रे, आ जिनवाणी री चोट थारे लागी कोनी रे, आ प्रेम चिन्ह गारी, आ प्रेम चिन्ह गारी तारे लागे कोनी रे, आ जिनवाणी रे चोट थारे लागे कोनी रे, आ जिनवाणी रे चोट थारे लागे कोनी रे, किसम तारे है तिलेवे रोज ही सामायिक, सम तारे है तिलेवे रोज ही सामायिक, परमाय लो बाबलियो बैरागी कोनी रे, परमाय लो बाबलियो बैरागी कोनी रे, आ जिनवाणी रे चोट थाने लागी कोनी रे, आ जिनवाणी रे चोट थारे लागी कोनी रे। कितना सुंदर कह रहा कवि कि जिनवाणी की चोट आपको अभी तक लगी नहीं, और जिस दिन आपको जिनवाणी की चोट लग जाएगी उस दिन आपकी आत्मा सही दिशा में चलने लग जाएगी, पाप को छोड़ कर के पुण्य का अर्जन करने लग जाएगी और विषमता को छोड़कर समता में रमण करने लग जाएगी। सालों साल बीत गए हैं आपको सामायिक करते करते, है ना, कितनी सामायिक कर रहे हैं, लेकिन मन में क्या भरा है, विषमताएं भरी हुई है। इन विषमताओं को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक आपकी सामायिक अधूरी है, आपका जीवन अधूरा है, आपकी हर क्रिया क्या है, अधूरी है। आइए, सुंदर सा विषय आपके सामने चल रहा है। बहुत दिन से हमने मानव जन्म की बात आपके सामने कही है कि कितना सुंदर जीवन है। आप जब भी सामायिक करो तो प्रतिदिन चिंतन किया करो, कौन सा, कि लखपति बना हूँ तो करोड़पति बन जाऊँ, और करोड़पति बना हूँ तो अब्जोपति बन जाऊँ, टाटा बिरला प्रेमचंद अंबानी की श्रेणी में भी क्या आ जाए, मेरा नाम आ जाए। और कभी कभी तो लोग ये भी चिंतन करते हैं कि दुनिया का सबसे पैसे वाला व्यक्ति बिल गेट्स है ना, उसके जैसा भी मैं बन जाऊँ, ऐसा सोचते हैं ना आप। आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आजकल का मानव यही विचार करता है, यही सोचता है, मैं भी इतना पैसे वाला बन जाऊं, सारे संसार में मेरी हुक्मशाही चले, लोग मेरे इशारे पर नाचे, बहुत बड़ी मिल का मालिक बन जाऊं, एक कोठी, दूसरा कारखाना और तीसरा मनोरथ है ना श्रावक के तीन, वो जमाना चला गया। पहले के श्रावकों के मनोरथ बहुत सुंदर थे, अब आजकल के श्रावकों के कितने मनोरथ हैं, तीन, पहले भी तीन ही थे लेकिन मैंने बदल दिए उनको, कोठी कार और कारखाना, है ना,
तो श्रावक समझता है कि मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। लेकिन जब भी सामायिक करो तो यही चिंतन करना, कौन सा तू कौन है, आया कहाँ से है और आगे कहाँ पर जाना है। तू कौन है, आया कहाँ से है और आगे कहाँ पर जाना है। ये राज समझ मंजिल को समझे, ये राज समझ मंजिल को समझे, कुछ होश में आने के लिए मानव चोलाए पाया है। तन मन को जगाने के लिए अहिंसा संयम और तप का कुछ रंग चढ़ाने के लिए मानव चोलाए पाया है। इतना सुंदर कह रहा कवि। थोड़ा सा चिंतन कीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। मैं भी आपसे पूछ लूँ, आपको कहाँ जाना है? घर जाना है ना। जैसे ही सामायिक पूरी होगी महाराज हम तो घर जाएंगे, लेकिन आपको कहाँ जाना है? स्वर्ग में। सामान तो सारा नरक का बांध रखा है और हम कहते हैं हम कहाँ जाएंगे? स्वर्ग में जाएंगे। कहाँ भी दुनिया में नजर डाल कर देखो, चारों तरफ आपको सामान नरक का मिलेगा और जाना स्वर्ग में चाहते हो तो ये नहीं हो सकता। जैसा सामान खरीदा है आपने वैसा ही इंसान को क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। कितना सामान खरीदा है, मृत्यु का, पाप का सामान खरीदा है, क्रोध का सामान खरीदा, मान का, माया का, लोभ का, राग का, देश का, कलह का, इन सारे सामान को खरीद करके व्यक्ति अगर मोक्ष जाना चाहे तो नॉट पॉसिबल, नहीं इम्पॉसिबल नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। जैसा सामान खरीदोगे वैसा ही जगह आपको मिल जाएगी। सामायिक में बैठे बैठे व्यक्ति चिंतन करता है कि मैं तो कहाँ जाऊँगा? स्वर्ग में जाऊँगा, है ना? जाना है स्वर्ग में। अरे आप जहाँ रहते हो उस दुनिया को स्वर्ग बनाओ, उस धरती को स्वर्ग बनाने का प्रयास करो कि जो आप खाएं वो प्रसाद बन जाए और जो आप बोले वो गीता बन जाए, और जहाँ खड़े रहे वहाँ मंदिर बन जाए, जहाँ खड़े रहे वहाँ मंदिर बन जाए। ऐसी करनी करेंगे तो जीवन का क्या होगा? कल्याण होगा। कि ऐसी करनी करे कि संसार याद रखे, जमाना भी आपको याद रखे। कि कहते सो करते नहीं मुख के बड़े लबाड़, कि कहते सो करते नहीं मुख के बड़े लबाड़, एक दिन धक्का खाएगा साईं के दरबार। हम जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, इसीलिए छब्बे जी बनने के लिए चले थे, लेकिन हम क्या रह गए? चौबे जी के चौबे जी रह गए। तो याद रखना, जीवन बड़ा अनमोल मिला है, इस जीवन को कैसे सार्थक किया जाए। मैंने आपसे कल एक छोटी सी बात कही थी, क्या बताया था मैंने आपको? महाराज साहब यहाँ से तो चले जाते हैं ना, तो कुछ भी पता नहीं रहता है। दुकान में, धंधों में, परिवारों में, जीएसटी में इतने लग जाते हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता है। संसार इतना प्यारा लगता है, यहाँ तो सब अच्छा लगता है। जैसे ही गेट से बाहर निकले वही गोरख धंधे चालू हो जाते हैं ना। आगे धंधो, पाछे धंधो, धंधा माही धंधो। और जो धंधा में धर्म करे वो साहेब रो बंदो, बोलो ना। आगे धंधो, पाछे धंधो, धंधा माही धंधो। आगे धंधो, पाछे धंधो, धंधा माही धंधो। अरे धंधा में जो धर्म करे तो वो साहब रो बंदो, वो साहब रो बंदो। कहते हैं मैंने आपसे परसों भी कहा था कि जब तक घड़ी का कांटा स्थिर नहीं होता है समय का पता नहीं चलता, और जब तक पानी स्थिर नहीं होता है तब तक मोती नहीं दिखाई देता है, और जब तक आपका मन स्थिर नहीं होता है तब तक वो परमात्मा नहीं दिखाई देगा। सदियों से ढूंढ रहे हैं जिसे, लेकिन अभी तक नहीं मिला, और मिलेगा भी कैसे है?
ये भी समय आएगा मैं जब बताऊंगी। मैंने आपसे कल एक छोटी सी बात कही थी, कितना हिसाब करते हो, आपकी मेमोरी इतनी कमज़ोर है, है इतनी कमज़ोर मेमोरी है आपकी। अगर हमारी महिलाओं से मैं पूछ लूं कि एक कटोरी किसे आटा दिया होगा तो 10 बार वो कटोरी मांग लेगी, कई भाभी जी कटोरी नहीं दी दी, कई भाभी जी हाल तक कटोरी नहीं दी दी। और एक साड़ी अगर किसी को दे होगी तो 10 बार बोल देगी, मैंने तुमको साड़ी दी, मैंने तुमको साड़ी दी ना। आपकी बात नहीं, आप बहुत अच्छे, मैं आपकी तो बात कर ही नहीं रही, आप बहुत अच्छे हैं। मैंने आपसे कल एक छोटी सी बात बताई थी, आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए? लाखों करोड़ों का हिसाब आप कर लेते हो और एक छोटी सी बात भूल गए, क्यों मेमोरी थोड़ी कम हो गई क्या? नहीं ना, मैंने एक बात आपसे कही थी कि व्यक्ति सन्यासी के पास में पहुंचा है और सन्यासी ने उसे छोटी सी बात बताई कि तुम 3 काम करना। क्या करना? गुलाब का सुंदर फूल लेना, तोड़ना, मसलना और फेंक देना। ये बात किसने सुनी? गुरु ने शिष्य को बताई। शिष्य कहाँ चला गया? उस सुंदर सी वाटिका में चला गया, उस उद्यान के अंदर गया और वहाँ देखा कि गुरु जी ने 3 काम मुझे बताए हैं, लेकिन ये इतना हँसता इठलाता हुआ जो फूल खिल रहा है उसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? इतना समय व्यतीत हो गया, घंटे 2 घंटे व्यतीत हो गए, लेकिन उसका हाथ काँप रहा है कि इस डाली को जो सुशोभित कर रहा है, इस उद्यान को जो फूल सुशोभित कर रहा है उसे मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? आखिर में वह कहाँ चला गया? तोड़ना, मसलना और फेंकना तो दूर की बात है, उसने क्या नहीं किया, उसे हाथ नहीं लगाया है। अब वो कहाँ पहुँचा? पुनः गुरु के चरणों में पहुँचा। गुरु तो सब कुछ पता था, गुरु क्या होते हैं? अंतर्यामी होते हैं, और गुरु को सब कुछ मालूम था कि क्या होने वाला है। वह व्यक्ति गुरु के चरणों में पहुंचा और गुरु से कहा, गुरु आप कैसी बातें करते हो, इतना सुंदर फूल डाली पर खिल रहा, उपवन को महका रहा, जन जन को खुशबू दे रहा है, और ऐसे फूल को मैं कैसे तोड़ सकता हूँ, मैं फूल नहीं तोड़ पाया। तब गुरु ने कहा, बड़े ध्यान से सुनना। तब गुरु कहते हैं कि एक छोटा सा फूल तुम नहीं तोड़ पाए, एक छोटा सा फूल तुम नहीं तोड़ पाए, तुम्हारे हाथ कांपने लगे, तो तुम ये विचार करो तुम्हारे जीवन का कितना सुंदर फूल है, तुम्हारा जीवन भी ये फूल के समान है और इसे तुम बीच में ही खत्म कर देना चाहते हो। तुमने ऐसे कैसे सोच लिया, इस जीवन को क्यों समाप्त कर रहे हो? इस जीवन को समाप्त मत करो और आज से ये प्रण लो कि जैसा फूल तो वापस आ जाएगा लेकिन ये जीवन दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए इस जीवन को सार्थक करो और इस जीवन को ऐसा बनाओ कि सदियां भी बीत जाए तो तुम्हें दुनिया क्या रखे, याद रखे। वह गुरु चरणों की कसम खाकर के बोला, गुरुदेव मैं आपके चरणों की कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं अपने जीवन की नीलामी नहीं करूँगा, आज के बाद मैं अपने जीवन को खत्म नहीं करूँगा और आज के बाद मैं आत्महत्या करने का प्रयास नहीं करूंगा, लेकिन ये संसार है, ये कलयुग है, हजारों लोग यहाँ पर हर वर्ष 70 लाख लोग क्या होते हैं, 1 सेकंड में 40 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, 40 सेकंड के अंदर एक व्यक्ति आत्महत्या करता है, क्यों? जिंदगी से जो तंग आते हैं वो क्या कर लेते हैं। लेकिन याद रखना, अगर वहाँ भी चैन न मिला तो, मरकर भी अगर चैन न मिला तो किधर जाओगे? यहाँ से तो वहाँ चले जाओगे लेकिन वहाँ से आगे जाने की कोई रास्ता और जगह नहीं है। तो आइए मेरे बंधुओं, ये संत भी आपको समझा रहे हैं कि जीवन को संभालो, जीवन को जानो, जीवन को पहचानो कि जीवन किस लिए मिला है। इसीलिए बार बार संत साधु आपको एक ही उपदेश देते हैं, दुल्हे खल्लू मानुसे भवे, दुर्लभ है मानव का जीवन, इसे सार्थक करने का प्रयास करो। कुदरत ने अपनी तिजोरी में से निकाल कर, कुदरत ने अपनी तिजोरी का सर्वश्रेष्ठ नजराना आपको दिया है और ये कुदरत का करिश्मा है, ये कुदरत का कमाल है, ये ऐसा सुंदर जन्म आपको दिया है, ये जीवन वरदान है कि जीवन तुम्हारा एक वरदान है, एक वरदान है, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा।
जीवन तुम्हारा एक वरदान है, एक वरदान है। अब जो मिला है फिर ना मिलेगा जीवन। कैसे ठुमके लगाते हैं हमारे बूढ़े बूढ़े लोग भी है ना, तो यहाँ भी थोड़ा कहते हैं कि जो दुनिया में नाचता है उसे हर जगह नाचना पड़ता है, और जो परमात्मा के दरबार में नाचता है उसे जिंदगी में कभी भी नहीं नाचना पड़ता है। बहुत बुजुर्ग लोगों को भी देखा है, इतने ठुमके लगा देते हैं, मेरे रस के कमर लगाते हैं ना, और अठे गावा रखे तो बाप जी गावे जी कोनी आवे कोनी ना। यूं तो आपको सब आता है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, है ना, ऐसे गीत तो बहुत आ जाते हैं, लेकिन भगवान के दरबार में जब गाने का बोले तो नहीं आता है गाना। लेकिन मैंने भी सोच लिया है कि जब तक आप नहीं गाओगे तब तक मैं बंद ही नहीं होंगी, मुझे क्या कि जीवन तुम्हारा एक वरदान है, एक जो मिला है फिर ना मिलेगा। जीवन तुम्हारा एक वरदान है, एक वरदान है। अब जो मिला है